हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल राधेश्याम कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर 12th की मैथमेटिक्स का, वो है अव्यू यानी कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, मतलब इसके बारे में पूरा कंप्लीटली हम पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट वन आज आप देख रहे हैं, पार्ट टू भी आ जाएगा, पार्ट थ्री भी आ जाएगा, बस धीरे धीरे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को दबा देना ताकि आपको प्रत्येक अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपका कंसेप्ट है वो क्लियर किया करवाया जाएगा एकदम अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अव्यू है क्या, सबसे पहले बात आती है अव्यू है क्या। तो देखो गणित के अंदर बहुत सारी संख्या है वो ऐसे बिखरी हुई पड़ी है, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ले लिया हमने, ये पड़ी है संख्या, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अव्यू के अंदर होता क्या है, इन संख्याओं को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना, यानी कि पंक्ति के रूप में और स्तंभ के रूप में जमा कर एक आयताकार विन्यास के रूप में लिखना ही अव्यू होता है। यानी कि ये संख्याएं हैं, इसको हम क्या करते हैं, पंक्ति और स्तंभ, यानी कि मैंने लिख लिया 1, 2 और 3, 4 को यहाँ लिख लिया। तो अब जब ऐसे चलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति। देखो अपनी कॉपी होती है उसके अंदर ऐसे ही तो होती है पंक्तियाँ सारी, उसको हम पंक्ति तो बोलते हैं। और जब ऐसे चलेंगे ऊपर से नीचे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, कॉलम। दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ रो, ये पंक्ति, ये कॉलम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, संख्याओं को पंक्ति यानी कि रो और कॉलम के रूप में जमाएंगे, उनको कॉलम यानी कि पंक्ति और स्तंभ में छेद करके एक आयताकार विन्यास में लिखकर जो उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करेंगे वही अव्यू है। अब आयताकार विन्यास कैसे, यानी कि आपको बड़ा कोष्ठक लिखना है, ठीक है, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखनी आपको अव्यू की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4। तो ये तो पंक्ति हो गई, ये स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ में लिख लिया। अब ये आयताकार विन्यास में भी लिख दिया, आयताकार विन्यास क्यों, देखो जैसे कि अब जो कोष्ठक है उसको हम ऐसे ऐसे मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक आयत या वर्ग प्राप्त होता है, यानी आयताकार या वर्गाकार विन्यास रूप। अब हम यहाँ पर आयताकार यूज कर देते हैं, वर्गाकार की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आयत क्या होता है, हम यहाँ आयत यूज कर रहे हैं और यहाँ पर वर्ग है। अब आयत यूज कर रहे हैं, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग की भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए हम यहाँ पर आयताकार ही यूज करेंगे। नाम जो है ना, जो कि भाई संख्या को स्तंभ और पंक्ति के रूप में लिखकर उनको एक आयताकार विन्यास में लिखना ही अव्यू होता है, ठीक है। आयताकार विन्यास में लिख लिया तो ये अपना क्या है, अव्यू, ये जो अपने बना है उसको हम बोलते हैं अव्यू, मैट्रिक्स बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ये क्या है अपना, अव्यू है। अब देखो आयताकार विन्यास में लिखना संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में। अब हम पढ़ते हैं कि अव्यू को, जो अव्यू का प्रतीक है और उसके बारे में और भी जानकारी है वो पढ़ते हैं। तो देखो जो अव्यू होता है उसको हमेशा आपको बड़े कोष्ठक में लिखना है, ठीक है, बड़े कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में लिखना है। यानी कि जो मैंने ये जो बंद किया है ना अव्यू को, ये वाले हटा दो, ये बंद किया है वो बड़ा कोष्ठक, ऐसे नहीं गया मर्जी हो गई मंजिला कोष्ठक लगा लिया, छोटा कोष्ठक लगा लिया फिर वो गलत हो जाएगा भाई, बड़े कोष्ठक में ही लिखना, ये की पॉइंट याद रखना, बड़े कोष्ठक में। और देखो जो अव्यू है उसका जो प्रतीक है कि अव्यू को किससे लिखेंगे, भाई ये मैट्रिक्स तो लिख दिया, अब इसके बराबर होना चाहिए भाई, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, कुछ भी। जैसे कि मैंने कहा भाई, किसी को बोला कि भाई अव्यू ए बराबर ये है, तो जो अव्यू का प्रतीक होता है, अव्यू को जिससे हम दर्शाते हैं प्रतीक, हम कुछ भी ले सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का हमेशा बड़ा अक्षर है वो ही प्रतीक के रूप में काम लिया जाएगा। बड़ा अक्षर प्रतीक क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर। जैसे कि कोई अव्यू है ए, बड़ा अक्षर है एक, अव्यू बराबर हमको दे दिया बड़ा कोष्ठक, इसके अंदर लिख दिया 1, 2, 3, 4, तो ये अपना क्या है, मैट्रिक्स ए, इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ए, क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ए। तो इस प्रकार से हम अव्यू को लिखते हैं। अब हम बात करते हैं अव्यू की कोटि, यानी कि अव्यू का ऑर्डर क्या होता है, तो आप ये नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं अव्यू की कोटि, हेडिंग डालनी है आपको अव्यू की कोटि, अव्यू की कोटि, ठीक है, हेडिंग डालनी है अव्यू की कोटि। अब अव्यू की कोटि क्या होती है, या फिर आप बोल सकते हो अव्यू का कर्म, ऑर्डर, कुछ भी बोल सकते हो आपकी मर्जी है, कोटि या कर्म दोनों में से, हाँ, और अदर कुछ मत बोल देना,
ठीक है, तो ये क्या होगा आप समझते हैं। जैसे कि मैंने माना मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 1 1 2, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, कोई भी मान सकते हो आप। तो जो कोटि क्या होती है, देखो कोटि हमेशा यहाँ पर जो आपको बड़ा कोष्ठक दिख रहा है यहाँ पर लिखनी है आपको आवयुह की कोटि। कोटि में लिखोगे क्या, तो जो पंक्तियों की संख्या है आपका आवयुह है उसमें पंक्तियां तो होगी, तो पंक्तियों की संख्या इंटू गुणे का निशान स्तंभों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, ठीक है, यानी कि पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, यानी कि पंक्ति क्या होती है रो रो इंटू कॉलम सी या आर इंटू सू क्या होता है आवयुह का ऑर्डर। अब यहां पर देख सकते हो पंक्तियों की संख्या कितनी, पंक्ति ऐसी चलती है तो ये एक पंक्ति हुई ये दूसरी पंक्ति हुई। चलो मैं रेड मार्कर से ही बता देता हूं आपको, ठीक है, तो ये है अपनी फर्स्ट पंक्ति, ये है सेकंड पंक्ति। तो पंक्ति की संख्या है दो, तो पहले पंक्ति की संख्या लिखोगे फिर क्या लिखोगे स्तंभों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ ये एक स्तंभ ये, ठीक है, कितने हैं दो। तो ये जो आवयुह है वो किस कोटि का है, 2 × 2 कोटि का आवयुह है। जैसे कि मैंने एक और आवयुह दिया, आवयुह भी इज इक्वल टू आपको मैंने दे दिया 1 2 3 2 5 7, ठीक है, इतना ही रहता है। तो ये किस कोटि का हो जाएगा भाई, तो आपको बताना है किस कोटि का है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या, पंक्ति कितनी है, ये एक पंक्ति ये दूसरी पंक्ति ये और ये दो पंक्ति है, तो 2 × 2। अब स्तंभ कितने हैं, देखो एक स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तीन स्तंभ है भाई, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 3। इस आवयुह का ऑर्डर हो गया 2 × 3। अच्छे से क्लियर नजर आ रहा है सबको, कमेंट कर लिया करो फटाफट, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया 2 × 3। अब आप समझ गए होंगे ऑर्डर क्या होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले है जो पंक्तियों की संख्या दर्शनीय, फिर आपको दर्शनीय स्तंभों की संख्या, समझ गए अच्छे से। जैसे कि मैं आपको एक और दे देता हूँ, कमेंट में लिखना है आपको इसका ऑर्डर, सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 0 1 3, ये मैंने आपको दिया, इसका ऑर्डर क्या होगा जल्दी कमेंट करो फटाफट फटाफट, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो है वो ये हो जाएगा कि इसके अंदर तीन तो है अपनी पंक्तियां इंटू तीन ही है अपने स्तंभ, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3। एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर, तो और ये प्रश्नावली है वो आपको बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर भी यही दिलाने वाली है, और रिवाइज सिलेबस के अंदर जो बीज गणित है पूरी उसको कर दिया है 15 मार्क्स का, तो उसमें से आवयुह को कितने दिए हैं, आवयुह को भी बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए। चलो मेरे पास पीडीएफ पड़ा है रिवाइज सिलेबस का, तो फिर देख लेता हूँ कि आवयुह को दिए हैं, पहले जो आवयुह थी वो 3 नंबर की थी, तो अब जो आवयुह है वो बढ़ गई होगी 5-6 नंबर की हो गई होगी आवयुह, ठीक है, 5-6-7 की तो हो ही गई होगी, तो आपको ये बहुत ज़्यादा नंबर दिलाएगी प्रश्नावली, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। चलो ये नोट करो, इसके बाद हम पढ़ते हैं आवयुह के प्रकार। चलो आवयुह के प्रकार देखते हैं, तो आवयुह के प्रकार में पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं पंक्ति आवयुह। देखो इसमें आपको रटना कुछ नहीं है, सब कुछ समझना है, और आपका राधेश्याम क्लासेज आपको सब कुछ समझाएगा, टेंशन ना लेने का। पंक्ति आवयुह चैनल का बैनर भी देख सकते हो आप, सब कुछ पढ़ाएगा रे तेरा राधेश्याम क्लासेज। तो देखो पंक्ति आवयुह के अंदर क्या होगा, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, पंक्ति लिख रखा है, यानी कि ऐसा आवयुह ऐसा आवयुह, सारी परिभाषा मेरे को लिखनी पड़ेगी क्या, ऐसा आवयुह जिसमें ऐसा आवयुह जिसमें केवल एक क्या हो, केवल एक पंक्ति हो, क्या बोलोगे एक पंक्ति हो, फटाफट लिख रहा हूँ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन ना लेने का। तो देखो ऐसा आवयुह जिसके अंदर एक पंक्ति हो, यानी कि 1 2 3 ये होगी अपनी पंक्ति, एक ही पंक्ति होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, आप अमन करें 4 5 6 7 8 10 स्तंभ कितने भी बना सकते हो, ये जो है ऐसे चलते हैं स्तंभ, पंक्ति तो ऐसे चलती है, पंक्ति कितनी एक ही तो है। तो ऐसा आवयुह जिसमें एक पंक्ति हो क्या बोलोगे, पंक्ति आवयुह, पंक्ति आवयुह लिखा है इसका मतलब एक ही पंक्ति, इसका ऑर्डर पूछे तो पंक्ति तो एक ही है ना, स्तंभ कितने 1 2 3 ऐसे ऐसे तीन स्तंभ बन रहे हैं ना, तो 1 × 3 का ये आवयुह है, ठीक है, मैट्रिक्स है 1 × 3 का। तो ये है पंक्ति आवयुह, कोई भी आवयुह जैसे कि ए लिया हमने तो ए आवयुह हो गया,
ठीक है, समझ गया ना पंक्ति आवयु क्या है। अब हम देखते हैं स्तंभ आवयु, सेकंड आता है अपना स्तंभ आवयु। स्तंभ आवयु अब नाम से ही आप तो समझ गए स्तंभ आवयु होता क्या है, पढ़ाने की जरूरत रहेगी नहीं भाई। ऐसा आवयु मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऐसा आवयु जिसमें एक स्तंभ हो, समझ गए, एक क्या हो, स्तंभ हो, ऐसा आवयु जिसमें एक स्तंभ हो, क्या बोलोगे, स्तंभ आवयु, नाम से ही पता चल रहा है। अब इसका एग्जांपल यहाँ आपको दिख रहा है क्या अच्छे से? चलो नहीं दिख रहा है, मेरे को डर लग रहा है, अगर नहीं दिखे तो फिर कैमरा क्या है, बोर्ड तो बहुत लंबा है, लेकिन कैमरा इतना ही फोकस हो रहा है इतना ही शायद। तो मैं आपको यहाँ इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल इधर दे रहा हूँ एग्जाम्पल। तो देखो स्तंभ एक कितना होना चाहिए, स्तंभ एक ही होना चाहिए, पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती है। तो देखो स्तंभ एक कैसे होगा, एक दो तीन, ये दे दिया मैंने आपको, ठीक है। पंक्तियाँ देखो, पंक्तियाँ ऐसे चलती हैं, तीन पंक्तियाँ हैं, स्तंभ तो एक ही है, तो ये क्या हो जाता है अपना स्तंभ आवयु। इसका क्रम पूछे तो क्या बताओगे, फटाफट बताओ, पंक्तियों की संख्या तीन है, यहाँ पर देखो थोड़ा आगे है, चलो पंक्तियों की संख्या तीन है और स्तंभ कितना है, एक ही है, तीन इंटू वन। ध्यान रखना भाई जो ऑर्डर लिखते हो वो यहाँ पे लिखना, ऐसा नहीं कि कल को आ गई एक दो यहाँ जो आवयु था उसका स्तंभ ऑर्डर यहाँ लिख के आ गए, ऑर्डर आपको यहाँ इसके नीचे लिखना है, ध्यान रखना भाई, गलती मत कर देना ऐसी। चलो अब नेक्स्ट और पढ़ते हैं, ये नोट करो, डिलीट कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे इतनी ही जगह है। चलो शून्य आवयु, अब नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पे कौन सा, चलो थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं ना ताकि तीन चार एक साथ आ जाएगी। तीसरा शून्य आवयु क्या होता है भाईजान, शून्य आवयु, तो चलो अपने जो हेडिंग है उसको हम डिलीट मार लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हम आवयु पढ़ रहे हैं तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो देखो शून्य आवयु क्या होगा, ऐसा आवयु जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, नाम से ही पता चल रहा है शून्य आवयु, उसके अंदर कुछ नहीं है, सब खोखला है, शून्य आवयु उसके अंदर सारे अवयव हैं क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य आवयु बोलेंगे। तो हम लिखते हैं जिसके सभी अवयव, आप लिखना ऐसा आवयु जिसके, फिर आगे ये लिखना सभी अवयव शून्य हो, आवयु जैसी प्रश्नावली सिंपल आपको कहीं मिलेगी नहीं और। तो देखो जिसके सभी अवयव शून्य हो वो क्या कहलाएगा, शून्य आवयु। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जीरो जीरो, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो जीरो, टू इंटू टू का ये आवयु है जिसको हमने बोला शून्य आवयु। अब जो आप यहाँ ए लिख रहे हो ना, इसको ए नहीं लिखेंगे, शून्य आवयु को कभी ऐसे नहीं दर्शाएंगे, तो शून्य आवयु को प्रतीक जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको आपको ऐसे सिंबल से दर्शाना है, ठीक है ना। जो ये लिखा ना, बोल सकते हो आप अंग्रेजी वर्ण वाला का कैपिटल ओ भी बोल सकते हो, यहाँ आप बड़ा जीरो भी बोल सकते हो, इससे आपको दर्शाना है, हाँ जीरो से ही दर्शाना, कुल मिला के ऐसे बनाना है आवयु। तो यहाँ पर अपन ए ना लिख के क्या लिखेंगे, जीरो बराबर ये क्या हो जाएगा अपना शून्य आवयु। तो शून्य आवयु में क्या होगा, सारे अवयव जीरो होंगे, जैसे कि एक और ले लेते हैं, जीरो बराबर शून्य आवयु बराबर जीरो 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 जीरो, क्रम बोलो इसका, ऑर्डर ऑर्डर, पंक्तियों की संख्या दो, स्तंभों की संख्या तीन, दिख रहा है क्या इधर, बता दिया करो, नहीं दिख रहा हो तो, क्योंकि पीछे यार हमारे पे टेक्निकल टीम तो बैठती नहीं, ठीक है ना। तो टू इंटू थ्री का ये हो गया शून्य आवयु। अब नेक्स्ट अपने आता है कौन सा, अपना जो नेक्स्ट है वो है, ये मैं साफ कर देता हूँ, नेक्स्ट अपना आता है वर्ग आवयु। बस पढ़ते जाओ, एक गीत है और कुछ नहीं, एक सॉन्ग है आवयु। वर्ग आवयु क्या होता है, ऐसा आवयु जिसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, पंक्तियों की संख्या बराबर हो, स्तंभों की संख्या यानी कि जितनी पंक्तियां बन रही है उतने ही स्तंभ बन रहे हैं, तो क्या बोलोगे, वो भाई वर्ग आवयु है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, ए एक मैट्रिक्स है अपना, और यहाँ पर इसमें टू टू वन थ्री फोर थ्री
वन सेवन एट जो भी हैं आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। नजर आ रहा है क्या? वैसे यहाँ तक तो आ रही होगा, देख लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है, तो देखो इसके अंदर आप देख सकते हो पंक्तियां भी कितनी हैं, एक दो और तीन पंक्तियां भी तीन हैं, स्तंभ एक दो और तीन स्तंभ भी तीन हैं। इसका मतलब वर्ग आव्यूह कौन होंगे? तो ये तो एक अपना वर्ग आव्यूह था, वर्ग आव्यूह जिनका कर्म समान हो। यहाँ पर आपको थ्री थ्री यानी कि कर्म ऐसे होने चाहिए, वन इंटू वन, टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री, फोर इंटू फोर। तो ये सब किस में आएंगे? वर्ग आव्यूह के अंदर आएंगे, जिनका कर्म समान हो। टू इंटू टू, वन इंटू वन, टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री, फोर इंटू फोर, फाइव इंटू फाइव, जो भी है सारे वर्ग आव्यूह के अंदर आएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, हम अगला पढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नेक्स्ट जो अपना है कौन सा था? चौथा पांचवा है ना? हाँ चलो जो भी है हम लिखा लेते हैं यहाँ पर, वो है अपना विकर्ण आव्यूह, विकिर्ण आव्यूह। विकिर्ण आव्यूह क्या होता है चलो अभी समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि अपना आव्यूह ए है उसके अंदर आपको टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो जो भी है, ये अपना थ्री बाई थ्री का आव्यूह है। इसके अंदर जो ये वाले अवयव होते हैं, जो ये वाले अवयव एक विकिर्ण, जैसे कि मैंने क्या बोला था आयताकार विन्यास में लिखते हैं, तो ये आयताकार विन्यास के अंदर जो आप ऐसे खींचते हो उसको हम विकिर्ण बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये इसी में भी ऐसे एंगल लाइन खींचते हो तो आपको इधर भी ऐसे खींच सकते हो, सॉरी हाँ ऐसे, तो ये जो बनते हैं तो उसको विकिर्ण बोलते हैं। तो ये जो अपना होता है जो ये ऐसे खींचा हमने वो तो होता है मुख्य विकिर्ण, उसको बोलोगे मुख्य विकिर्ण। और फिर जो ऐसे खींचा है उसको बोलोगे गुणन विकिर्ण, ठीक है गुणन विकिर्ण। तो ये ऐसे जो बनता है उसको हम विकिर्ण बोलते हैं। अब विकिर्ण आव्यूह क्या होता है वो अब हम पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखना, इसको हम कर लेते हैं क्लियर। तो देखो विकिर्ण आव्यूह जो होता है उसके अंदर ऐसा होता है कि जो विकिर्ण होता है, जो मुख्य विकिर्ण बन रहा है आपका ऐसे वाला, उसको छोड़कर मुख्य विकिर्ण विकिर्ण के अवयवों को छोड़कर विकिर्ण के अवयवों को छोड़कर छोड़कर अन्य दिख रहा है आपको क्या ऊपर सब? चलो कैमरा बार बार फोकस हो रहा था क्या? अन्य अवयव शून्य हो, विकिर्ण जो मुख्य विकिर्ण बनता है उसको छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो तो क्या बोलोगे? विकिर्ण आव्यूह ए इक्वल टू, जो विकिर्ण आव्यूह जो होता है वो हमेशा होगा एक वर्ग आव्यूह, ध्यान रखना, क्योंकि वर्ग आव्यूह होने पर ही विकिर्ण बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे आयत में भी तो विकिर्ण बनता है, तो वो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखो दो तीन चार एक दो तीन बन गया। अब इसमें आप विकिर्ण कैसे बनाओगे? विकिर्ण तो ऐसे बनेगा, तो सारे अवयव एक साथ आएंगे क्या? दो तो आ रहा है, चलो तीन भी आ रहा है, बीच में ये खाली रह गया, तो विकिर्ण के अंदर अवयव तो आने चाहिए, तो इसलिए वर्ग आव्यूह ही विकिर्ण आव्यूह बनता है। तो आपको परिभाषा ऐसे लिखनी है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सभी मुख्य विकिर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य अवयव जीरो हो, यानी कि वन जीरो जीरो, जीरो टू जीरो और जीरो जीरो थ्री, जो ये अपना बना है थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स वो क्या है? अपना विकिर्ण आव्यूह है, क्योंकि इसमें जो विकिर्ण बनता है उसके अवयव हैं वो कुछ न कुछ उनका मान है और बाकी वाले सब जीरो हैं, तो विकिर्ण ही बन रहा है इसके अंदर, तो इसको हम विकिर्ण आव्यूह बोलेंगे। कुछ रटना नहीं, बस पूरा समझाऊंगा एकदम अच्छे से। विकिर्ण आव्यूह हो गया, उसके बाद आता है अदिश आव्यूह। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अदिश आव्यूह क्या होता है। अदिश आव्यूह तो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है, आपको अच्छे से दिख रहा है क्लियर एकदम। अदिश आव्यूह जो होता है वो होता है जो विकर्ण आव्यूह आपने पढ़ा उसके अंदर क्या थे, ये जो विकर्ण के अंदर जो अवयव आते थे वो सेम होने कोई जरूरी नहीं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अदिश आव्यूह में मुख्य विकिर्ण जो आपका मुख्य विकिर्ण है, मुख्य विकिर्ण के सभी अवयव सेम हो, समान हो, इतना लिखूंगा समान हो, ठीक है।
मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अदिश अवयव। ठीक है, कैसे एग्जांपल्स लेना है आपको तो यहाँ दे देता हूँ आपको। ए इज इक्वल टू यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3x3 का एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो विकर्ण अवयव यानी कि जो बाकी सब अवयव जीरो है लेकिन जो विकर्ण बन रहा है तो ये विकर्ण अवयव है। तो आप वैसा बोल सकते हो ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक जैसे हो, समान हो, यानी कि सब जगह एक एक है, दो दो हो सकता है, तीन तीन हो सकता है, तो ऐसा जो अवयव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अदिश अवयव बोलते हैं। तो समझ गए अदिश अवयव क्या होता है। अब हम एक प्रकार और आए तो ये आप नोट करो। चलो अब जो है दो प्रकार और रहे हैं तो उसके बाद आता है अपना इकाई अवयव। इकाई अवयव जिसको बोल सकते हो आप तत्समक, तत्समक अवयव अवयव कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा तत्समक अवयव लिखा हुआ, इसको दर्शाएंगे आई से। ये तो प्रश्नावली में बहुत जगह यूज होगा क्योंकि हर जगह दे रखा होता है इकाई अवयव है, इकाई अवयव है, तो वहां पर आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है इकाई अवयव इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो कि भाई ऐसा विकर्ण अवयव जो विकर्ण था ना विकर्ण अवयव वो ऐसा विकर्ण अवयव यानी मैं लिख लेता हूं यहां पर विकर्ण अवयव होगा, विकर्ण अवयव ऐसा विकर्ण अवयव शॉर्ट लिख रहा हूं भाई जिसके मुख्य विकर्ण जो होता है मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, यानी कि आप इसको आई से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? आई से, ध्यान रखना, दर्शाएंगे किससे? दर्शाते हैं आई से। तो आई बराबर यहां पर मैं लिख लेता हूं जीरो वन जीरो जीरो वन। तो ये जो अपना अवयव है 3x3 का ये अपना है इकाई अवयव, क्योंकि ये है, चूंकि ये क्या है विकर्ण अवयव है, क्योंकि विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब जीरो है, और ये एक अदिश अवयव भी है क्योंकि विकर्ण अवयव के सभी अवयव जो हैं वो समान है बोल सकते हो। और यहाँ पर इसको एक विशेष नाम भी देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक एक आ रहा है इसलिए इसका विशेष नाम हो जाता है इकाई अवयव। बाकी ये वो सेम ही है इकाई अवयव क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ अवयव सबका एक एक हो जाता है इसलिए हम इसको इकाई अवयव बोल देते हैं। अब एक और राह है त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव। तो आज के वीडियो में आज का ये लास्ट पार्ट है त्रिभुजाकार अवयव। तो वे अवयव जिसके अंदर वे वर्ग अवयव, इसमें भी वर्ग होना जरूरी है, वे वर्ग अवयव जिसके अंदर त्रिभुज की आकृति बने उसको क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार अवयव। जैसे कि मैं सीधा एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 2 3 1 और यहाँ पर आपको दे देता हूँ ये 1 और यहाँ पर ये 2 ये 5 और क्या बोलोगे यहाँ हो जाएगा 0 0 0। यानी कि जो विकर्ण अवयव होता है आपका, जो विकर्ण बनता है उसके नीचे वाले जो तत्व होते हैं ये विकर्ण है, उसके नीचे वाले अवयव जो हैं, नीचे वाले जो अवयव हैं वो क्या होने चाहिए? जीरो। तो उसको हम बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। इसको क्या बोलेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है ना, यानी कि जब जो विकर्ण अवयव है आपका, जो विकर्ण बनाओगे आप इसमें, ये कौन सा होगा? 3x3 का ही होगा। विकर्ण बनाओगे उसके ऊपर तो बनना चाहिए त्रिभुज, त्रिभुज बन रहा है ना। देखो समझा देता हूँ एक बार, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ये देखो त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज कहाँ बन रहा है? विकर्ण के ऊपर बन रहा है, यानी ऊपरी साइड त्रिभुज बन रहा है, नीचे जीरो है, तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव हो गया। सेम का सेम, अगर ये सेम का सेम ऐसा होता ना, बता देता हूँ अभी, कि ऊपर तो जीरो हो, जैसे कि विकर्ण 1 2 3 तो यहाँ होते जीरो ये वाले, और यहाँ कोई भी 5, ये 5 6 7 जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकर्ण होगा आपका, ये वाला विकर्ण है, इसके ऊपर तो जीरो है, नीचे क्या है? त्रिभुज बन रहा है, तो ये कौन सा होगा? निचला त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुज नीचे बन रहा है तो निचला त्रिभुजाकार अवयव, ऐसा मत कर देना निचला त्रिभुजाकार अवयव पूछे
तो नीचे तो जीरो लगा लो, ऊपर त्रिभुज बना दो, नीचे त्रिभुज बनाना है, ऊपरी त्रिभुज आकार आ गई, हमें ऊपर त्रिभुज बनाना है। तो ये था आज का माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट आवयू का, और नेक्स्ट वीडियो में हम आवयू के गुणधर्म देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे से आगे शेयर करना तो मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आवयू के गुणधर्म के साथ, और साथ ही साथ हमारा सेकंड चैनल मैथ्स वाला राधेश्याम, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।